केवलारी में लगातार बारिश के कारण केवलारी विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश गांव में मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं तथा लोग अन्य स्थानों में शरण लिए हुए हैं। केवलारी विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश पाल अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न गांवों में क्षतिग्रस्त हुए मकानों को नजदीक से देखा तथा लोगों को इस दुख की घड़ी में अपनी सहभागिता व्यक्त की। चर्चा के दौरान विधायक राकेश पाल का कहना था कि इस घटना की जानकारी लगते ही जिला प्रशासन तथा एसडीएम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है ताकि समय पर सर्वे किया जाए, पीड़ित लोगों को उसका मुआवजा दिया जाए। क्षेत्रीय विधायक ने क्षतिग्रस्त ग्रामों में प्रभावित लोगों से चर्चा की और उन्होंने आश्वस्त किया कि विधायक निधि से जितना हो सकेगा उनके द्वारा पीड़ितों को हर संभव मदद दी जाएगी। क्षेत्रीय विधायक द्वारा बोथिया, ग्वारी देहबानी, किमाची, तेंदुआ, सरई, सरई टोला, खैरा रांची, सुनहरा पुरतरा, खापा के साथ साथ अन्य स्थानों में तथा किसानों के खेतों में लगी फसलों का भी मुआवजा किया। इस मौके पर समस्त भाजपा एवं युवा मोर्चा केवलारी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। पटवारी आ रही आए थे ना? पटवारी आया था। हाँ ठीक, तो पटवारी ने कुछ नहीं देखा? नहीं 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 देखा, नहीं देखा। चलो क्या नाम है तुम्हारा? राजकुमार। चलो हम देखो ना, हम अपने तरफ से भी राशि देंगे, तुमको चिंता नहीं करना। पानी गिर रहा है तो पानी निकल रहा है नीचे से, कीचल है, कीचल बहुत। तो अभी आप कहाँ रह रही हैं? ग्राम पंचायत में रह रहे हैं। ग्राम पंचायत भवन में रह रही हैं? सरकारी बिल्डिंग। आपको ये मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं मिला जी, हमको कुछ लाभ नहीं। कब गिरा है मकान जी? साहब बारिश में गिरा अभी, दो चार आठ दिन। कितने दिन हुए? 8-10-11-12। मकान गिरने के बाद आप कहाँ रह रहे हैं? सब यहीं पे चले गए, वहाँ पर चले गए। बाकी अभी रहने की कोई व्यवस्था नहीं आपके पास? नहीं सर। जब वो अति वर्षा हुई थी उस समय पर मैं सिवनी में नहीं था जी। जब अति वर्षा हुई थी उस समय पर मैं सिवनी में नहीं था, इसलिए तत्काल में आ नहीं पाया जी। लेकिन मेरी अधिकारियों से तभी जो है दूरभाष पर जो है बात हो चुकी थी, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सबसे बात हो गई थी कि तत्काल जो है जितनी भी नुकसानी है उसका जो है सर्वे आकलन किया जाए जी जी। और जिनकी जो नुकसानी है उसके अनुसार जो है उनका मुआवजे की व्यवस्था जो है कराई जाए। अब जब मैं सिवनी आया हूँ, अभी लौट के बाहर प्रवास में था, तो मैं इस दौरे पर निकला हूँ। अभी जैसे मैं बोथिया में था, खैरांजी में था, आगे ग्वारी में, यहाँ पर आ गए हम, किमाची है, खापा है, देवानी है, सररई है, पुतर्रा है, ऐसी जगह पर जो है कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है। तो सरकार जो एसडीएम और कलेक्टर के द्वारा जो सरकारी नुकसान की भरपाई करेंगे, सरकार के तरफ से जो भरपाई होगी वो तो होगी, लेकिन मैं अपने तरफ से मेरी विधायक निधि से भी जो है कुछ राहत राशि जो है, मेरी बहुत ज्यादा नहीं होती है लेकिन फिर भी राहत राशि जो है मैं अपने तरफ से इन लोगों को दूंगा और भविष्य में इनकी सबकी स्थिति का मैं पता भी लगाते रहूंगा कि बराबर इनको राशि वगैरह वितरित हुई है या नहीं। दबंग न्यूज के लिए केवलारी से कृष्ण कुमार प्रजापति की रिपोर्ट।